हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर यहाँ पे फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन लेकर आती है। तो आज भी यहाँ पे हमारे पास एक Y2 हैंडसेट है फ्रेंड्स, जो कि हमारे स्टूडेंट का पास ही है। उन्होंने ये वीडियो सेंड किया है और उनके प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स, उसकी MMC जो थी माइक्रोन की थी और माइक्रोन की जो MMC थी टोटली डेड हो चुकी थी। तो आजकल आप देखते होंगे कि Y2 में जो है MMC चेंज हो जाती है, जिसमें आपको RPM भी क्लीन करके उसकी पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हैंडसेट ऑन तो हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें आप नेटवर्क भी बना लेते हैं। इसके बाद आपको प्रॉब्लम आ जाती है, YouTube पर साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है और वीडियो बहुत ही स्लो चलता है। और इसके अलावा कॉलिंग में आप जब कॉल करते हैं तो आपकी वॉइस नहीं जाती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हार्डवेयर का इश्यू है। तो फ्रेंड्स, यही इश्यू का एक इसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन लेके आए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि Y2 में MMC चेंज भी कर लेते हैं, इसके बावजूद भी उनके हैंडसेट में YouTube पर वॉइस नहीं आती है। कॉल आता है तो रिंगटोन नहीं बजती है, या तो फिर आप कॉल के दौरान माइक पे बात करते हैं तो माइक में आवाज नहीं आती है। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन लेके आए हैं। और ये जो वीडियो भेजे हैं हमारे एक्स स्टूडेंट ही है, जिनको हमने सपोर्ट किया क्योंकि उनके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने उनको सपोर्ट किया, उनको बताया कि किस तरह से आपको इसमें प्रोग्रामिंग में फाइलों को चेंज करना है। तो ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में उन्होंने हमको वीडियो बना के भेजा है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और इस तरह की अगर इंटरनली डीपली अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, आपका इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे फ्रेंड 10 से 12 घंटे की क्लास होती है और नेक्स्ट मंथ जुलाई की बुकिंग अभी चल रही है। अगर आप चाहे तो इसमें बुक कर सकते हैं, जहाँ पे 10 से 12 घंटे प्रैक्टिकली क्लास होगी, सारी प्रोग्रामिंग आपके हाथ से कराएंगे, चाहे UEFI से हो, EasyJetAx से हो या जो भी लेटेस्ट बॉक्सेस अभी चल रहे हैं मार्केट में, सबसे आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। साथ ही साथ आपको टेस्टेड फाइलें देंगे और आपको सारा MMC चेंज का प्रोसेस बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, MI में काफ़ी सारे हैंडसेट में आप MMC चेंज की फाइल मिल भी जाती हैं तो आपको प्रॉपर करने नहीं आता है, या आपका IMEI काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या हैंडसेट में इस तरह की साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकली क्लास में बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं PC की ओर। और ये वीडियो जो है हमारे स्टूडेंट ने भेजा है, आप देखिए उन्होंने किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपको प्रैक्टिकली काम करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये मेरे पास एक Y2 आया था, इसका MMC चेंज हुआ है, जैसे कि माइक्रोन की MMC लगी थी तो खराब हो गई थी। तो इसको MMC चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी वीडियो जो है वो रुक रुक के चल रही है और इसकी ऑडियो नहीं आ रही है। तो इसमें लाइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको पहले हम लोग ऑफ कर लेंगे, ठीक है। इसको EDL से कनेक्ट करेंगे, थोड़ा मैं EDL से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब पोर्ट कनेक्ट हो गया है, UDL लोडर पोर्ट कनेक्ट हो गया है। और इसको EMP से जो है एडवांस प्रेशर में जाएंगे, कनेक्ट बटन को दबाएंगे, इसमें यहाँ पे पार्टीशन शो होना चाहिए। आप देख सकते हैं पार्टीशन आ गई यहाँ पे। इसमें हमको फाइल जो देनी है एक ये परसिस्ट की फाइल है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। आप देख सकते हैं, और
अब इसको यहाँ से इसको रिप्लेस मारेंगे। रिप्लेस मार के और 65 में, और इसमें सेकंड जो है आपका फ्लैश करना है और राइड भी करनी है। यहीं से इसको राइड कर लिया है। और सेकंड यहाँ पे हम जाएंगे मॉडल के फाइल को इरेज करेंगे। दोनों फाइल राइट हो गई है, इसको हम देखते हैं। एक बार ना अपनी वाली वाली है तो सॉल्व हुआ है। इसको वीडियो से यहाँ से डिसकनेक्ट कर देते हैं। नेटवर्क आ चुका है, इसमें फिर से वीडियो चला के हम लोग देखते हैं। आवाज लग रहा डाउन है इसको, थोड़ी सी वीडियो बना देते थे क्योंकि अकेले हैं इस समय। ये देखिए वॉल्यूम फुल किया है इसका। शर्त के साथ दी गई है, नियमों का उल्लंघन करने पर कंस्ट्रक्शन साइट को बंद भी किया जा सकता है। देखिए अब ये ऑडियो वीडियो दोनों सही चल रही है। दूरी करने वाले राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन दो क्षेत्रों में लॉकडाउन की नियम पहले साउंड नहीं आ रही थी और वीडियो जो था वो रुक रुक के चल रहा था। अभी ये दोनों चीजें सही हैं। इसके साथ ही इसकी हम लोग कॉलिंग भी चेक कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी दिक्कत आती है कि कॉलिंग करने पे इनकमिंग और आउटगोइंग ये वॉइस वो भी नहीं चलती है। कॉलिंग आ गई।
हेलो 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 हेलो, अभी इसकी कॉलिंग भी चल रही है। तो ये हैंडसेट हमारा सक्सेस हो गया है। थैंक यू दोस्तों।